नमस्कार, मैं करण स्वागत करता हूँ आप सभी का आईएमएस टुडे। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियों पर। गुजरात में पहले फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी का दावा, इस साल तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डालेंगे आज अपना वोट। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 6वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में ऑपरेशन आज, बेटी रोहिणी करेगी किडनी दान। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनेलिना करेंगी आज भारत का दौरा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते ईरानी सरकार ने हटाई नैतिक पुलिस। एम्बाप्पे की मदद से फ्रांस पोलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण उच्चतम स्तर तक पहुंचा, एक्यूआई 407 के करीब, निर्वाध कार्यों पर एनसीआर में रोक। दिल्ली नगर निगम में 50% मतदान, वोटरों के बीच चुनाव का उत्साह दिखा कम। रेपो दर में फिर से हो सकती है 0.35% की बढ़ोतरी, आरबीआई का दावा। बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव आज। यूक्रेन पर रशिया के हमले की वजह से दुनिया भर को अब तक 32 लाख करोड़ का नुकसान। आज की पॉजिटिव खबर, श्वसन तंत्र के संक्रमण से आराम दिलाएगी आयुष की एंटीबायोटिक फीफा टोल। आज की सुर्खियों में सिर्फ इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए आईएमएस टुडे के साथ। धन्यवाद।